देहरादून के कैंट क्षेत्र से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। हरबंस कपूर के निधन से पार्टी और उनके क्षेत्र के लोगों में भी शोक व्याप्त है। वो 75 साल के थे। कपूर लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद का भार भी संभाला था। हरबंस कपूर के निधन के शोक में सोमवार को देहरादून जिले के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे। कपूर रविवार रात को विवाह समारोह में गए थे, उसके बाद अपने कमरे में आकर सो गए थे। सोमवार की सुबह जब उन्हें उठाने के लिए पहुंचे तो वो नहीं उठे, जिसके बाद डॉक्टर घर पर आए और उन्होंने जांच की। डॉक्टर ने उनके निधन की पुष्टि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरबंस कपूर के देहरादून स्थित आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। विधायक हरबंस कपूर के इंदिरा नगर स्थित आवास पर समर्थकों की भीड़ उमड़ी। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल, गणेश जोशी, विधायक खजान दास समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। उत्तराखंड में मकान मालिक अब अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। वहीं किराए की अवधि पूरी होने के बाद नियमानुसार किराएदार को मकान खाली करना होगा। मकान मालिक और किराएदारों के बीच के झगड़े खत्म करने के लिए उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 विधानसभा में पास हो गया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। मकान मालिक और किराएदारों के बीच के झगड़े आम हैं। कहीं मकान मालिक का बीच में ही किराया बढ़ोतरी करना विवाद का कारण बनता है तो कहीं किराएदार का अवधि पूरी होने के बाद भी मकान खाली न करना। इसी समस्या को दूर करने के लिए यह अधिनियम पास किया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम पहुंचकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी लाई गई है। 15 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री कलश में लाए गए मिट्टी के पूजन के साथ ही शहीदों के परिजनों के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना एवं राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य में सैन्य धाम के निर्माण को राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 18 दिसंबर को हरिद्वार में विजय संकल्प रैली का शुभारंभ करेंगे। विजय संकल्प रैली हरिद्वार में 3 दिन विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद, विभिन्न क्षेत्रों में घूमने के बाद गढ़वाल और कुमाऊं में प्रवेश करेगी। विजय संकल्प रैली के माध्यम से भाजपा चुनाव में 60 का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य साधने के साथ ही सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों को जनता के सामने रखेगी। जेपी नड्डा हरिद्वार में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने धाम परिसर में सोमवार को बड़े सम्मान के साथ कार्यकल्प में लगे मजदूरों के साथ पंगत में बैठकर भोजन भी किया। इससे पहले प्रयागराज के कुंभ के बाद उन्होंने सफाई के काम में लगे कर्मियों का पांव धुलने के साथ उनको सम्मानित भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों पर पुष्प वर्षा, साथ में फोटो सेशन, अपने भाषण के दौरान उनका जिक्र और फिर भोजन करके उन्होंने जनमानस को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाने की मांग की गई है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में ये याचिका 84 वर्षीय हरिंद्रनाथ विश्वास ने दायर की है। खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले विश्वास ने अपनी इस याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकारों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान नहीं दिया है जिसको मिलना चाहिए था। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल की 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।